दोस्तों, आज हम जानेंगे वो कौन सी बातें हैं जो श्री कृष्ण ने पूरे मनुष्य जाति के लिए कही है। आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री, घर में तथा बाह्य सुखों में खोज रहा है। भगवान का वंदन केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करो। वंदन भगवान को प्रेम बंधन में बांधता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। विचार करो कि मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। पति पत्नी पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुँची है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता, ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अपने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जग में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। आज आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। भगवान इन सब कसौटियों को परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।